अध्याय 8। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने तब सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, कि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे जाने दे कि पहले अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी, और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था।
और देखो। उन्होंने चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के पुत्र, हमारे तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल सुनाया और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारे सिवानों से बाहर निकल जा।